Hello friends, today video is about diabetes mellitus, mainly type 2 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus की वीडियो जो है आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। Type 2 diabetes mellitus ये होता क्या है? Type 1 में क्या होता है, जो बॉडी है, बॉडी सेल्स क्या है, जो इंसुलिन ही नहीं बनाते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडी मेक्स इंसुलिन बट जो सेल्स है डोंट रिस्पॉन्ड इट। क्या होता है, जो सेल्स होता है इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, या फिर क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेनली जो इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन और जेनेटिक। ओबेसिटी क्या होता है, मैनी पीपल, ऐसा नहीं कि सारे मोटे लोग जो है डायबिटीज़ के शिकार होंगे, ऐसा सभी पेशेंट में नहीं होता है। मैनी पीपल डॉन्ट डायबिटिक, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हाइपरटेंशन और जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिकली जो है टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस फैलने का सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है ट्विंस में। जो पैनक्रियाटिक सेल्स है, इन पैनक्रियाटिक सेल्स में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स होता है बीटा सेल्स में मेनली क्या होता है, प्रॉब्लम्स ये होती है, हाइपरप्लासिया दैट मीन्स जो है पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स का जो नंबर है क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जो दूसरा कंडीशन जनरेट होता है क्या होता है, हाइपरट्रॉफी। ये दोनों क्या करते हैं, हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी, ये दोनों क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं मोर इंसुलिन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है क्या करता है, नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है। ये क्या करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होता है, ये क्या करता है, कीप ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, इसको क्या करता है, नॉर्मली बनाए रखता है। दूसरा क्या होता है, ये जो पैनक्रियाटिक सेल्स है ये सिक्रीट करता है एमाइलोपेप्टाइड, जिसे बोलते हैं एमाइलिन। एमाइलोपॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करता है जिसे बोलते हैं एमाइलिन। ये क्या करता है, जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है, क्या करता है, जो हाइपरप्लासिया, इसको क्या करता है, हाइपोप्लासिया दैट मीन्स जो इसका नंबर है बीटा सेल्स का, इसको क्या कर देता है, कम कर देता है। और दूसरा कंडीशन जो हाइपरट्रॉफी था, एक कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोट्रॉफी। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है लेस इंसुलिन। ये क्या करता है लेस इंसुलिन का सिक्रीशन करता है जिसके चलते क्या होता है, एबनॉर्मलिटी में क्या होता है, जो इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हुआ है, जिसके चलते क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया, जिसके चलते फिर से जो टाइप 1 के सिम्टम्स होते हैं, सेम सिम्टम्स यहाँ भी होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, ट्रिपल पीजी और ग्लाइकोसूरिया, ये तीनों कंडीशन फिर से क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इसके चलते फिर इसमें दूसरा प्रॉब्लम्स क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HHS। इसके चलते क्या होता है, जो प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर जाता है। होता क्या है, मेनली एक्चुअली होता क्या है, जो ग्लूकोज है
एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जो एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक्ट करता है सोलूट की तरीके से, सोलूट के तरीके से बिहेवियर करता है। जो नॉर्मली जो ब्लड है, जो ब्लड में ग्लूकोज है, ये जो ब्लड है, जो ब्लड में ग्लूकोज है, ये क्या करता है सेल्स से, क्या करता है एब्जॉर्ब करता है मोर वाटर। सेल से क्या करता है मोर वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मोर वाटर आता है, जिसके चलते क्या हो जाता है इंक्रीज कर जाता है यूरिनेशन। यूरिनेशन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। यूरिनेशन इंक्रीज यूरिनेशन के कारण क्या होता है, जो टोटल बॉडी का जो क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। टोटल बॉडी डिहाइड्रेशन के चलते क्या होता है, जो मेंटल स्टेटस होता है ये हो जाता है चेंज, चेंज मेंटल स्टेटस, और चेंज, और समटाइम्स क्या होता है माइल्ड कीटोनीमिया और एसिडोसिस का भी फॉर्मेशन करता है, और कभी कभी क्या करता है DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का भी फॉर्मेशन करता है। और जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस हैं, इनके अलावा और भी डायबिटीज सब टाइप्स इसके होते हैं, आइए इनको देखते हैं। जो डायबिटीज फर्स्ट और सेकंड है, इनके अलावा दो और भी डायबिटीज के और भी सब टाइप्स होते हैं, क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मिलिटस। ये क्या होता है, ये मेनली होता है, जनरली क्या होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती, इनमें क्या होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ये क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये यूजली होता कब है, यूजली कब होता है, यूजली होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद। ये होता है जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद, और क्यों होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस, ये क्यों होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण। और जो दूसरा होता है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज मिलिटस, ये क्या होता है ड्रग इंड्यूस, ये क्या होता है, ये जनरली ये होता है जो मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के, इसके चलते क्या होता है जो इंक्रीज कर जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या होता है मैकेनिज्म रिलेटेड टू इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, ना कि ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण नहीं होता है। ऑटो इम्यून के कारण क्या होता है टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है ये होता है टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, आइए देखते हैं डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस क्या होता है। जो डायग्नोसिस होता है सबसे पहले देखते हैं प्री डायबिटिक और डायबिटिक। प्री डायबिटिक मीन्स जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ा हुआ होता है, बट उस कंडीशन में उस लेवल में क्या होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी पर्सन को डायबिटीज है, और डायबिटीज केस में जब प्री डायबिटिक के कंडीशन से अपर हो, ज़्यादा हो, तब हम कहेंगे किसी भी पर्सन को क्या है डायबिटीज। तो फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट सबसे पहले करते हैं, ये क्या होता है नो फूड और ड्रिंक फॉर 8 आवर। इसमें क्या होता है जो प्री डायबिटिक कंडीशन होता है, कंसंट्रेशन होता है ग्लूकोज का, ये कितना होता है 100 to 125 mg/dL। और डायबिटीज के केस में क्या होता है ग्रेटर देन 126 mg/dL, जब ये कंडीशन आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन मिलेगा, तब उसे हम बोलते हैं किसी भी पर्सन को क्या है डायबिटीज है। दूसरा हम चेक करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं नॉन फास्टिंग या फिर रैंडम ग्लूकोज, ये करते हैं एनी टाइम, तो डायबिटीज के केस में क्या होगा, जो डायबिटीज के केस में क्या होगा, जो पर्सन है, पर्सन का जो ग्लूकोज लेवल इस समय क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 200 mg/dL। और तीसरा चेक करते हैं OGT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है गिवन ग्लूकोज मेजर एट इंटरवल्स, इंटरवल्स में मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है प्री डायबिटिक के केस में क्या होना चाहिए, जो कंसंट्रेशन है कितना होना चाहिए 140 to 199 mg/dL, और डायबिटिक के केस में ये कंडीशन, ये कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 200 mg/dL से ज़्यादा, जो 200 mg/dL है इससे क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। और जो
आखिरी इसका डायग्नोसिस करते हैं, फोर्थ डायग्नोसिस इसका क्या करते हैं, HbA1c जिसे बोलते हैं प्रोटीन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ HB विद ग्लूकोज स्टक टू इट। ये क्या होता है, जो प्री डायबिटिक के केस में है इसमें इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 5.7 to 6.4%। इस कंडीशन में, प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, HbA1c का जो कंसंट्रेशन होता है ये होता है 5.7 to 6.4%। बट डायबिटिक के केस में क्या होता है, जो ये कंसंट्रेशन होता है ये बढ़ के क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 6.5%। अगला टेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट। इसमें ये क्या होता है, जो सी पेप्टाइड है ये क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है इंसुलिन का, बाय प्रोडक्ट ऑफ इंसुलिन सी पेप्टाइड लो या फिर अब्सेंट। इसका मतलब क्या होगा, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज नो लॉन्गर प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। ट्रीटमेंट क्या होगा, जो टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस है, टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस का ट्रीटमेंट क्या होता है, मेनली होता है इंसुलिन, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी। ट्रीटमेंट के दौरान रिस्क क्या होगा, क्या होगा, इंसुलिन टेक विदाउट फीड, इसके चलते क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया के चलते क्या होगा, पेशेंट में वीकनेस, हंगर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी पेशेंट में। जो अगला कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, क्या होगा, हाइलाइन एथ्रोस्क्लोसिस। एथ्रोस्क्लोसिस दो टाइप का होगा, आर्टेरियो और कैपिलरी। आर्टेरियोल क्या हो जाता है, हाइलाइन डिपोजिशन के कारण क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और क्या हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल। और जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी में क्या होता है, थिकनेस हो जाता है, बेसमेंट जो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, हार्डर फॉर ओटू टू गेट टिश्यू, हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाता है। और जो दूसरा होता है मीडियम एंड लार्ज आर्टेरियल वॉल डैमेज, इसके चलते क्या हो जाता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस, क्या हो जाता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस। जिसके चलते क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, और क्या जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसके लिए, मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी, ये क्या हो जाता है, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और जो अगला होता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट, जिसके चलते क्या होता है, रेटिनोपैथी, कैटारेक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लाउकोमा होता है। जो रेटिनोपैथी होता है मेनली दो टाइप का होता है, प्रोलीफरेटिव और नॉन प्रोलीफरेटिव। जो नॉन प्रोलीफरेटिव जो रेटिनोपैथी होता है, इंक्लूड होता है इसमें क्या होता है, प्री रेटिनल और इंट्रा रेटिनल हेमरेज, रेटिनल एक्सुडेट, वेनस डायलेशन या फिर क्या हो जाता है, एडिमा। ठीक है, जो प्रोलीफरेटिव होता है, प्रोलीफरेटिव में क्या होता है, इंक्लूड होता है प्रोसेस ऑफ न्यूवेस्कुलराइजेशन, फाइब्रोसिस, मैक्युलर इन्वॉल्वमेंट में क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स होती है रेटिनोपैथी में। नेफ्रोपैथी में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल और ग्लोमेरुलस, ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके चलते क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिस जो क्या करता है, लीड टू डायलिसिस। ठीक है, जो अगला कंडीशन होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है सेंसेशन, कहाँ, इन ट्वाइज और फिंगर्स में, जिसके चलते क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्व जो हो जाता है, नर्व सिस्टम क्या हो जाता है, मेलफंक्शन हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जो पोअर ब्लड सप्लाई हो जाता है और जो नर्व डैमेज हुआ है, जिसके चलते क्या हो जाता है, अल्सर, और फिर क्या फाइनली क्या फॉर्मेशन कर जाता है, एम्पुटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।